नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त राखिल चौधरी। तो गाइस, मैं आज आपके लिए कुछ फूड टेक के रिलेटेड और नए अपडेट्स लेके आया हूँ। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला अपडेट आता है रिस्पॉन्सिबल वाटर को लेके। तो गाइस, रिस्पॉन्सिबल वाटर ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है और उसका नाम रखा है मिनरल वाटर। मतलब कि वो मिनरल वाटर को अभी लॉन्च करने वाले हैं एक एल्युमिनियम कैन के अंदर। एल्युमिनियम कैन के अंदर गाइस वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे वो रिसाइकल भी हो सकता है। वो 70% ऑफ एल्युमिनियम कैन रिसाइकल हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अपना वो स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक को निगलेक्ट करने की कोशिश करी है। गाइस, ये सारी कंपनी सोलन हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है और उन्होंने कहा है कि ये पानी हिमालय से डायरेक्ट लेके आते हैं और इसे कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, और इनकी पानी में मिनरल लेवल दूसरे आम पानी बोतलों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वैसे अगला अपडेट आता है हमारा FSSAI की तरफ से। उन्होंने कहा है कि फार्मर्स को अब वो केसरी दाल बेच सकते हैं अपनी मार्केट में जाके, क्योंकि पहले COVID-19 पैंडमिक से पहले सरकार ने बंद कर दिया था कि आप केसरी दाल अब नहीं बेच पाएंगे किसान, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लो होती है और ये डिफ़िकल्ट होते हैं सेपरेट करना एक नॉर्मल फूड ग्रेन से, और दोनों फूड ग्रेन से गाइस डिफिकल्ट होते हैं सेपरेट करना, क्योंकि हमारे पास किसानों के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है ने सेपरेट करने के लिए। तो करके सरकार ने कहा है कि इस वक्त वो अब प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें अलो कर रहे हैं किसान को कि आप वो केसरी दाल को बेच सकते हैं मार्केट में। गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा मार्स रिंगले को लेके। गाइस, मार्स रिंगले गाइस एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है एक कन्फेक्शनरी आइटम को बेचने के लिए। उनका एक सबसे मशहूर ब्रांड आपने भी सुना होगा स्निकर्स, उन्होंने अब टाई अप कर लिया स्विगी के साथ। उन्होंने कहा कि अब उनके प्रोडक्ट स्विगी के थ्रू अपने घर घर पे जाके होम डिलीवरी हुआ करें, क्योंकि स्विगी ने बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना दिया इंडिया के अंदर। मार्स रिंगले ने गाइस और टाई अप भी करा है जोमेटो के साथ और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑनलाइन होम डिलीवरी करती है किसी भी चीज़ों के साथ, तो वहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता है अपने कन्फेक्शनरी आइटम को घर घर पहुँचाने के लिए। वैसे अगला अपडेट आता है हमारा नेस्ले की तरफ से। तो नेस्ले ने बॉयटनी को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब कि उन्होंने अपना ये ब्रांड बनाया हुआ था नेस्ले ने बॉयटनी को। बॉयटनी गाइस एक नॉर्थ अमेरिकन पास्ता ब्रांड है जहाँ से पास्ता पुस्ता बेचा करते थे अपने नेस्ले ने, तो नेस्ले ने इसे एलिमिनेट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अब मैं ये रखना नहीं चाहता हूँ। करीब 115 मिलियन डॉलर के बीच में इनकी डील हुई है, और उन्होंने कहा है कि वो अपनी कोर को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। नेस्ले वाले कहते हैं कि हम अपने कोर की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मशहूर है उसी के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे जगह जगह हाथ नहीं वो फंसाना चाहते। वैसे अगला बेटा था हमारा एक स्टडी को लेकर। तो स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अभी बच्चों को बाहर के खाना मना कर दिया गया, मतलब कि बाहर के वेजिटेबल तक और फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ऐसे इन्हें कोरोना होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसे एलिमिनेट करा जाए कम से कम, अगर यूज़ करना भी है तो साफ़ो फूड प्रोडक्ट साफ़ होने अपने निकाले हुए हैं वेजिटेबल और फ्रूट वॉशर और मीटर इसे यूज़ करके अच्छी तरह से साफ करके अपने चाइल्ड को और अपनी फैमिली को देना चाहिए। तो गाइस, बस यही थे आज के अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाते हुए जाना, और मुझे कमेंट करके मुझे बताना अगर किसी और वीडियो टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए होगी। तो गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप सर्च करिए, क्लिक करिए, जो भी करिए हिट करिए और मुझे फॉलो करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो बस गाइस, यही थी आज की अपडेट। तो